कहते हैं कि दुख में, दर्द में, पीड़ा में इंसान को जितनी ताकत अपने अंदर महसूस होती है, वो ताकत कभी भी खुशी या सुख के वक्त में महसूस नहीं हो सकती। दुख का, दर्द का एक अपना तरीका है इंसान को मजबूत बनाने का। हमारी आज की कहानी एक ऐसी किरदार के बारे में है जिसे एक बहुत बड़े दुख के अंदर एक बहुत खूबसूरत सुख, बहुत खूबसूरत खुशी की उम्मीद दिख जाती है। लेकिन वो खुशी, वो सुख बहुत ज्यादा देर तक उसके साथ रहता नहीं है। आखिर ऐसा क्या होता है जो उससे वो खुशी भी छिन जाती है? यही है हमारी आज की कहानी की मेन थीम। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है रजत कुमार शर्मा और आपका स्वागत है स्टिलर स्टोरी स्टूडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वो बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई कहानी का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज की कहानी केट चौपिन की द स्टोरी ऑफ एन आर। तो कहानी की शुरुआत होती है मिसेस मेलार्ड के घर से, जहां मिसेस मेलार्ड की बहन जोसेफिन और उनके हस्बैंड के एक दोस्त रिचर्ड्स वो उनके अपने रूम से बाहर निकलने का इंतजार कर रहे हैं। और इंतजार क्या कर रहे हैं? अपने अंदर हिम्मत जुटा रहे हैं मिसेस मेलार्ड को वो खबर देने की जिसे कहना या जिसके बारे में सोचना भी इतना मुश्किल है। जी हां, रिचर्ड्स जो कि मिसेस मेलार्ड के हस्बैंड मिस्टर ब्रेंटले मेलार्ड के बहुत अच्छे दोस्त हैं, उन्हें अभी कुछ ही देर पहले रेल रोड डिपार्टमेंट से खबर मिली कि पासी में एक रेल रोड एक्सीडेंट में मिस्टर मेलार्ड की मृत्यु हो गई है। इस बात को कंफर्म करने के लिए रिचर्ड्स ने तुरंत उन्हें टेलीग्राम किया कि क्या वाकई में उस व्यक्ति का नाम ब्रेंटले मेलार्ड है। तो रेल रोड डिपार्टमेंट ने कंफर्म किया, जी हां, ब्रेंटले मेलार्ड ही हैं जिनकी इस दुर्घटना में मृत्यु हुई है। रिचर्ड्स ये खबर लेकर आज शाम यहां मिसेस मेलार्ड के घर पहुंचे और वहां आकर उनकी बहन जोसेफिन को ये बात बताई। जोसेफिन ये बात सुनते ही घबरा गई, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे यकीन नहीं हुआ कि उसकी बहन के साथ ऐसा इतना बुरा हो गया। और बस अब ये दोनों इंतजार करने लगे कि कब मिसेस मेलार्ड अपने रूम से बाहर निकलें और कब वो उन्हें बताएं कि मिस्टर मेलार्ड, मिस्टर ब्रेंटले मेलार्ड अब नहीं रहे। कुछ ही देर में मिसेस मेलार्ड बाहर निकलती हैं। वो इन दोनों को देखकर बहुत खुश होती हैं, रिचर्ड्स का स्वागत करती हैं। रिचर्ड से कहती हैं कि वो आराम से बैठे, इस तरह खड़े क्यों हैं? लेकिन फिर बहुत हिम्मत करके जोसेफिन उनकी बहन उनके पास आती है, उन्हें अपने गले से लगा लेती हैं और फिर उन्हें बताती हैं कि मिस्टर मेलार्ड अब नहीं रहे। मिसेस मेलार्ड विश्वास नहीं कर पाती अपने कानों पर कि उन्होंने अभी ये क्या सुना। वो रिचर्ड से पूछती हैं, क्या वाकई में सच है? रिचर्ड्स वही टेलीग्राम जो उसे रेल रोड डिपार्टमेंट से मिला होता है वो उन्हें दिखाता है। जी हां, मिस्टर मेलार्ड अब नहीं रहे। मिसेस मेलार्ड की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और तुरंत ही जोसेफिन के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगती है। जोसेफिन उनकी हालत देख नहीं पाती, लेकिन उससे पहले वो कुछ करती, मिसेस मेलार्ड भागकर ऊपर जाती हैं और खुद को अपने कमरे में लॉक कर लेती हैं। उनका ये रिएक्शन जोसेफिन या रिचर्ड्स के लिए बिल्कुल भी सरप्राइजिंग नहीं था। कोई भी औरत, कोई भी पत्नी ये खबर सुनकर इस तरह से विचलित हो ही उठेगी। मिसेस मेलार्ड ने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया और उधर खिड़की के पास रखी एक कुर्सी पर जाकर बैठ गई। उन्हें समझ में नहीं आया वो क्या करें, किससे क्या कहें, जिंदगी अब उन्हें कहां लेकर जाएगी। और बस इसी बीच वो खिड़की के बाहर देखने लगी, देखने लगी ढलते हुए सूरज को, सुनने लगी चिड़ियाओं के चहचहाने को,
दूर कहीं से आते किसी गीत की आवाज को, और धीरे धीरे वो उस माहौल में मानो खो सी गई। बाहर खुले आसमान की तरफ देखते हुए उन्हें ऐसा लगने लगा जैसे कोई बुरी चीज हुई नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि इतने लंबे समय के वैवाहिक जीवन के बाद शायद ये पहली बार था जब मिसेस मेलार्ड खुद को आजाद महसूस कर रही थी। और ये सोचते सोचते अचानक उन्हें अपने अंदर एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसी ऊर्जा का अनुभव हुआ कि वो अचानक खड़ी हो गई और चिल्लाते हुए खिड़की से कहने लगी, आई एम फ्री, आई एम फ्री, आई एम फ्री, मैं आजाद हूं, मैं आजाद हूं। अब तक उनकी जिंदगी में हर फैसला मिस्टर मेलार्ड लिया करते थे, घर की हर छोटी बड़ी चीज, काम की हर छोटी बड़ी चीज, कोई भी बड़ा या छोटा फैसला मिस्टर मेलार्ड के साथ या उनकी परमिशन से ही उन्हें लेना होता था। लेकिन ये पहली दफा था जब उन्हें लग रहा था कि अब वो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी सकती हैं, अब ये बचा हुआ सफर अपने हिसाब से तय कर सकती हैं। और बस वो फ्रीडम, वो आजादी मानो अब उनके रोम रोम में भरने लगी। इतने में ही अचानक उन्हें अपने कमरे के दरवाजे पर अपनी बहन जोसेफिन के खटखटाने की आवाज आई। जोसेफिन घबराई हुई थी, उसे लग रहा था कि कहीं मिसेस मेलार्ड खुद के साथ कुछ गलत ना कर लें। वो जोर से दरवाजा खटखटाने लगी तो मिसेस मेलार्ड आराम से चलकर दरवाजे तक गई और उन्होंने दरवाजा खोलकर कहा कि जोसेफिन तुम फिक्र मत करो, मैं ठीक हूं। खैर, जोसेफिन उनका हाथ पकड़कर उन्हें ऊपर के कमरे से नीचे लेकर आई। रिचर्ड्स अब भी वहीं खड़ा हुआ था और वो बहुत ही दया की दृष्टि से और दुख भरी नजरों के साथ मिसेस मेलार्ड की तरफ देख रहा था। लेकिन मानो मिसेस मेलार्ड मन ही मन उससे कह रही थी कि तुम मेरी फिक्र मत करो रिचर्ड्स, मैं बिल्कुल ठीक हूं, बल्कि एक बहुत लंबे समय के बाद या शायद जिंदगी में पहली दफा अब मैं वाकई में आजाद हूं। धीरे धीरे बढ़ते कदमों के साथ जोसेफिन मिसेस मेलार्ड को सीढ़ियों से नीचे लेकर आई। अब वो तीनों एक साथ आ गए कि अचानक उन्हें घर के मेन एंट्रेंस पर, मेन दरवाजे पर किसी के चाबियों से दरवाजा खोलने की आवाज सुनाई दी। घर में इंटरलॉक था तो वो इंटरलॉक के किसी को खुलने की आवाज आई, और जैसे ही दरवाजा खुला तो वो नजारा देखकर तीनों की आंखें फटी की फटी रह गई। दरवाजे पर खड़े थे मिस्टर ब्रेंटले मेलार्ड। जोसेफिन की तो मानो चीख ही निकल गई, रिचर्ड्स को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ और मिसेस मेलार्ड सन्न खड़ी रह गई मिस्टर ब्रेंटले मेलार्ड को देखकर। मिस्टर ब्रेंटले मेलार्ड जो कि बहुत ही आराम से, बहुत ही सहज भाव से घर में एंटर हुए थे, वो समझ नहीं पाए देखकर कि सब लोग इस तरह चौंक कर मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं। जब उन्होंने उनसे पूछा कि क्या हुआ, आप लोग इस तरह घबराए हुए क्यों हैं, तो रिचर्ड्स ने उन्हें बताया कि किस तरह रेल रोड डिपार्टमेंट ने एक एक्सीडेंट की खबर उन्हें दी और यह बताया कि उस एक्सीडेंट में ब्रेंटले मेलार्ड मतलब आप गुजर गए हैं, आपकी मृत्यु हो चुकी है। मिस्टर ब्रेंटले मेलार्ड ये बात सुनते ही हंसने लगे और बस उस हंसी के साथ ही मिसेस मेलार्ड वहीं गिरकर कोलैप्स कर गई। जब तक मिसेस मेलार्ड को डॉक्टर्स के पास ले जाया गया वो गुजर चुकी थी, उनकी मृत्यु हो चुकी थी। डॉक्टर्स ने पूरा मामला समझने के बाद कहा कि कभी कभी बहुत ज्यादा खुशी के मारे भी इंसान की इस तरह अचानक से मृत्यु हो जाती है, लेकिन सच तो कुछ और था। असल खुशी तो मिसेस मेलार्ड को वो अनुभव हुई थी जब उन्होंने खुद को आजाद पाया था, लेकिन शायद फिर एक बार मिस्टर मेलार्ड को अपने सामने जीता जागता खड़ा देख और अपनी उस आजादी को, अपनी उस स्वतंत्रता को फिर से एक बार खोते हुए देख वो फाइनली कोलैप्स कर गई और जिंदगी को अलविदा कह गई। तो जैसा हमने कहानी के शुरुआत में देखा कि कभी कभी दुख के, तकलीफ के, पीड़ा के वो क्षण हमें कोई ऐसी ताकत दे जाते हैं जो सुख या खुशी कभी नहीं दे सकता, उसी तरह मिसेस मेलार्ड को भी उस दुख के वक्त में, अपने पति को खोने के दुख के वक्त में एक ऐसी चीज की अनुभूति हुई जो शायद कभी उन्होंने पहले अनुभव नहीं की थी। लेकिन हां, वो खुशी, वो आजादी की फीलिंग बहुत ज्यादा देर तक उनके साथ रही नहीं और अंत में
इस शॉक से कि फिर एक बार मैं उसी बंधन में वापस बंध गई हूं, वो व्यक्ति मेरे सामने खड़ा है, इस शॉक ने अल्टीमेटली उनकी जान ले ली। आशा करते हैं कि आज की कहानी आपको अच्छी लगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने विचार, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर चाहें तो हमें नीचे दिए गए नंबर पर सपोर्ट कीजिए। आपका थोड़ा सा कॉन्ट्रीब्यूशन भी हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है। तो जल्द मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।